हेलो फ्रेंड, मेरा नाम इजरान अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजरान टेक्नो हब। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास आया एक रेडमी का 7A मॉडल। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं अभी आपको इसको फ़ोन को ऑन करके दिखाता हूँ और फिर इसका सोल्यूशन बता दूँ आपको। चलिए, पहले इसका मैं उनका लॉक खोल लेता हूँ। इस फ़ोन में फ्रेंड जो कॉल लगाने पे, कॉल करने के बाद में जो उसकी डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, ठीक, उसके बाद ऑन नहीं होती, यानी कि स्लीप मोड पे चला जाता है ये फ़ोन। कॉल करने के बाद में इसकी डिस्प्ले बिल्कुल भी ऑन नहीं होती है, स्लीप मोड। ये देखिए फ्रेंड, कॉल करने के बाद इसकी डिस्प्ले बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही, ठीक है फ्रेंड। अब ये जब तक इसको फ़ोन को ऑफ नहीं करोगे, स्टार्ट नहीं करोगे, तो ये फ़ोन ऑन नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। इसकी डिस्प्ले ऑन नहीं होगी, इस फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही फ्रेंड। ये स्लीप मोड पे चला जाता है कॉल करने के टाइम पे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होना है ये फ्रेंड, मैं आपको अभी आपको आपके सामने करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं इस फ़ोन को स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे ये डिस्प्ले इसकी स्लीप मोड से ऑन नहीं होगी। ये देखिए फ्रेंड, बिल्कुल भी डिस्प्ले ऑन नहीं हो रही है। चलिए, मैं इसके पहले फ़ोन को स्टार्ट कर लेता हूँ आपके सामने। ये देखिए फ्रेंड, मैंने फ़ोन को स्टार्ट कर दिया है। उसको पहले पूरा ऑन होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, पूरा फ़ोन ऑन हो चुका है। इसके बाद मैं आपको एक बार फिर कॉल करके दिखाऊंगा और जो प्रॉब्लम फेसिंग हो रही है, सामने आ रही है, फिर एक बार उसको दिखाऊंगा मैं आपको उसके सबके सामने। इसके बाद में इसका सोल्यूशन बताऊँगा कैसे ये दिक्कत आपकी 100% सॉल्व हो सकती है। एक बार फिर से कॉल करके देख लेता हूँ। कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करता हूँ। जैसे कॉल अटेंड होगी फ्रेंड, ये डिस्प्ले स्लीप मोड पे चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, अब इसका डिस्प्ले बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है। तो जब ये आपके किसी रेडमी फ़ोन में या रेडमी 7A मॉडल में ये प्रॉब्लम, प्रॉक्सिमिटी सेंसर की ये प्रॉब्लम अगर आए, तो आपको किस मेथड से ठीक करना है फ्रेंड, तो मैं आपको आपके सामने भी करके दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए, मैं फ़ोन को एक बार फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, फ़ोन मैंने स्टार्ट कर लिया, इसको पूरा ऑन हो जाने देते हैं, उसके बाद बताते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है फ्रेंड। पहले इसका पूरा ऑन हो जाने देते हैं फ़ोन को। ये देखिए फ्रेंड, फ़ोन पूरा ऑन हो चुका है। अब करना क्या है, जो आपकी ये प्रॉब्लम जो आपको आ रही है प्रॉक्सिमिटी सेंसर वाली, इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड। तो चलिए, सबसे पहले इसकी कॉल सेटिंग में जाना है। इसकी कॉल सेटिंग में जाना है, उसके बाद में कॉल सेटिंग में जाना है, इनकमिंग कॉल सेटिंग, ठीक है। और ये दिख रहा है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इसको ऑफ कर देना है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद में आपको जो प्रॉब्लम आ रही है कॉल करने पे, कॉल डिस्प्ले स्लीप हो जाती है, डिस्प्ले बंद हो जाती है, प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए, मैं आपको कॉल करके दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, अब डिस्प्ले बिल्कुल स्लीप नहीं हो रही है, ठीक है। मैं जब भी इसको पावर की से ऑन ऑफ करूँगा, हर वक्त आपकी डिस्प्ले ऑन ऑफ होती रहेगी, ठीक है फ्रेंड। जो प्रॉब्लम इसमें आ रही थी फ्रेंड, वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, किसी भी वक्त आप इस डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हैं कॉल करते टाइम पावर की से। एक बार फिर से कॉल करके देख लेता हूँ।
मैं फिर से कॉल करके देख लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, डिस्प्ले स्लीप मोड पे नहीं करिए फिर। ये देखिए फ्रेंड, जो प्रॉब्लम फ्रेंड इसमें पहले आ रही थी, अब प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। डिस्प्ले आप किसी भी टाइप कॉल कल चलते टाइम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, अगर आपको रेडमी के किसी मॉडल में, और रेडमी 7 है या रेडमी 6 है या रेडमी 5 है या रेडमी 4 है, किसी भी मॉडल में प्रॉक्सिमिटी सेंसर की यह दिक्कत आपको सामने आती है, कॉल करते वक्त डिस्प्ले बिल्कुल ऑफ हो जाती है, स्लीप मोड पर चली जाती है, तो इस मेथड से फ्रेंड आप रेडमी के किसी मॉडल में ये प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। We'll be right back.